वो गाली गलौज। और इसीलिए मैं भैया के पास आया हूं। हम ये लाइव में लोगों को रोस्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे गाली गलौज का ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे। हम हमारे टैलेंट से यहाँ पे लोगों को रोस्ट करेंगे। हाँ ठीक है तो तो भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसको कॉल पे लेना, मैं भी यहाँ पे देख रहा हूं, क्योंकि आर्यन चौधरी को आप कॉल पे लेना, क्योंकि ये एक पारिवारिक लाइव है और ना ही मैं भाई किस चीजों का समर्थन करता हूं। पनौड़ी भैया न्यूयॉर्क में रहते हैं, अगर कल जाके कुछ मसला बढ़ जाता है तो यहाँ की पुलिस पैसे ज्यादा जेब में न होने के कारण न्यूयॉर्क तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मेरे घर तक जरूर आएगी। और इसीलिए मैं इन चीजों का हिस्सा ना बनते हुए इस लाइन में आया हूं, जहां पे हम रोस्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन हम इतना गंदा रोस्ट नहीं करेंगे जिससे हमारी दिक्कतें बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं किसको ऐड करूं? अच्छा, तो अभी आप आर्यन चौधरी को ऐड करो, क्योंकि आर्यन चौधरी वहां से यहाँ पे आया है, ठीक है भाई, क्योंकि पनौड़ी ने जो उसको गंदी गंदी बातें बोली हैं तो वो उसको हजम नहीं हुई है और इसीलिए वो यहाँ पर आया है। तो आप आर्यन चौधरी को यहाँ पे ऐड करें ताकि मैं उसको गोबर में चप्पल डुबोकर मार सकूं। मैं ऐड करता हूँ भाई, मैंने आर्यन भाई को रिक्वेस्ट भेज दिया। हाँ, तो आर्यन यहाँ पे आएगा और मैं उसकी शेती शेती लूंगा, मैं समेदा का पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे यहाँ पे आर्यन चौधरी दिखाई दे रहा है। मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया भाई को। हाँ, उसके बाद में और एक यहाँ पे बंदा है, उसका नाम है, एक मिनट, कार्तिक आर्य, KARTIK, कार्तिक ARYA आर्य, कार्तिक आर्य। कार्तिक आर्या का वो बताना, हाँ उसकी आईडी बताना, आईडी क्या है उसकी? नहीं जाने दो भाई, तुम किसी भी अच्छी सी डीपी देख के है ना, किसी ऐसे दुबले पतले नहीं, किसी हट्टे कट्टे बंदे की डीपी देख के तुम उसको ऐड करो। चलो मैं करता हूँ भाई। हाँ चलो भाई, आ जाओ कॉल पे। आर्यन भाई मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, एक बार रिक्वेस्ट देख लो आप। हाँ रुको भाई, मैं और भी अपने भाइयों ने उनको बुलाता हूँ, वेट। बुलाओ बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ, जितने भी अपने भाई है वो यहाँ पे आ सकते हैं कॉल पे। भाई मैंने कुछ खास खास भाइयों को लाइव भेज दी है, तो भाई अपने हिसाब से आ जाओ सारे। हाँ, अरे मुझे काई को भेज दी और भाई क्या कैसे हो? दीपक भाई? बस ठीक। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम अक्के भाई, अक्की। क्या? अच्छा, अक्की अक्की। तो भाई तेरी चिक्की बताएगा कि तेरी चिक्की कौन से कलर की है? गुलाबी कलर की तेरी चिक्की बता दियो, फैंस को, फैंस खुश हो जाएंगे भाई, अक्की की चिक्की लोग देखना चाहेंगे। और तेरा कहां वो से भाई दूध तुम? कंजे भोसड़ी के, इतना मारूंगा रंडी के टकले भोसड़ी के वाले। भाई इसकी गाली गाली नहीं भाई, गाली नहीं, गाली बहन भाई चूतिया देख, भाई, मैं तो इतना गाड़ी गंदा नहीं दूंगा बोलता भाई, मैं गाड़ी नहीं दूंगा भाई देख, क्योंकि गाड़ी अगर दूंगा तो भाई तू जाऊंगा जेल में, उसके बिल्कुल बाद में भाई सही, पुलिस जो है वो तेरे गौन पे मारेगी फटके। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लगेगा तुझे जब पुलिस तेरे गौन पे कुड्डा करके तेरे जब फटके मारेगी, टायर में जो है वो तेरी बॉडी लपेट के जब तेरे गौन पे भटाई भट भटाई भट भटाई भट, दे कोनी दे घुसन दे रेपटे, भोसड़ी के दे कोनी दे घुसन गली के दे भोसड़ी रेपटे, दे के कोनी दे घुसन दे रेपटे, अच्छा लगेगा। गंजे भोसड़ी के बिहारी बहन हाँ के लौड़े प्रबिया भाई, अच्छा अच्छा भाई, एक बात बताऊं, तेरा भाई अमेरिका से है, ले इधर तेरे तो मेरी पासपोर्ट पे फैमिली कितने घूमती है, स्टैंप लगे हैं? इधर चाट गीको पकड़ के घूमती है लौड़ो, बिहारी। भाई तेरे पासपोर्ट पे कितने स्टैंप लगे हैं बता। और काम भाई तू करना काम बताओ के भाई, करे ये भाई, बताओ। ओ दिको लोडो, काम के करे तू। और भाई हेलो भाई, आप नेपाल से हो क्या? कैसे? हाँ नेपाल से हो? नेपाल से हूँ। क्योंकि आपकी नॉक बहुत बड़ी है भाई, आप नॉक में लेते हो क्या? नॉक में लेता हूँ अच्छा क्या भाई, लौंग क्या है भाई तेरा? भाई, मेरा नाम है विनीत।
अच्छा अच्छा अंजुल अच्छा विनीत। और एक सरनेम क्या है लॉन्ड भाई तेरा? एक मिनट अरे ऐड कर रहा हूँ, एक लॉन्ड और रखता तेरा हूँ। नाम विनीत सरदाना है क्या? अपना एक भाई है विनीत सरदाना। क्यों विनीत? अच्छा ना भाई, मेरा नाम विनीत चौधरी है बस। अच्छा। हाँ। और भाई तू कौन के करे भाई? भाई अनिकेत में क्लासमेट है अच्छा। हाँ। ये भाई अपना, दीपक भाई, भाई अपना ये अच्छा क्या नाम है भाई इसका? विनीत। क्या हाल है विनीत भाई? तन्मय क्या हाल है भाई? बढ़िया जी बढ़िया। क्या भाई हाल है तेरा दीपक टी शर्ट भाई? का रंग मुझे अच्छा लगा यार, ये टट्टी कलर का टी शर्ट क्यों पहन के आया? कुछ घर में है नहीं क्या? अच्छा भाई तुमको पता है कि किसी सेलिब्रिटी के लाइव पे जाना है तो जरा अच्छे कपड़े पाके आता। अरे शर्म नहीं आई भाई टट्टी कलर का टी शर्ट तू पाके आ दीपक भाई, गया? दीपक भाई तुम दुआ दो इसे भाई। भाई तो दिलवा दे, तो सबको पैसे बांट रहा है भाई, हमें भी दिलवा भाई दे मैं तुझे भाई। हमें सफेद भी भी दूंगा तो भी तू टट्टी में डुबो के पहनेगा। चल, तू भाई सफेद तुझे कर दे अगर तो टट्टी भैया, कलर ही पसंद है तो तुझे तू मैं सफेद कर दे। कोई भी शर्ट दू यार, तू तो टट्टी में ही डुबो डुबो के पहनूंगा। बाल कहाँ गए तेरे? बिल्कुल भाई मेरे पट्टी में दे बाल दिए जो है उन्होंने। वो अभी बढ़ जाएंगे। वैसे तुझे क्या काले नूडल्स खाने हैं? तेरे को काली मैगी खानी है क्या जो मेरे बाल के बारे में पूछ रहा है? तू बोलता है तो काट के दे दू, मैं काली मैगी खाएगा काटू नीचे के बाल, अबे बोल। खाएगा दीपक भाई? बहुत तगड़ी मैगी बनाते हैं, काली मैगी खाओगे? खा लेगा भाई, खा विनीत लेगा, भाई तुम खाओगे? काटो तो सही। हाँ ना मैं ना खा विनीत लेगा, भाई तू काटो कहाँ तो सही। पे रहे भाई? गाजियाबाद अच्छा, शक्ल तो तेरी मेरठ की लागे। मेरठ के पास ही है भाई। हाँ तो भाई गाजियाबाद में जिला गाजियाबाद करके मूवी मिली थी, वहां पे तुझे कोई रोल नहीं मिला भाई? 6 महीना शूटिंग चला वहां पे, तुझे नहीं भाई, कोई वहां पे पीछे खड़ा रहने का रोल नहीं मिला? 500 रुपया पर डे के हिसाब से। अच्छा मना कर दी थी भाई मैंने, मिल रहा था यार मुझे। और मैं तेरा बापूजी के करे भाई, बाप के करे तेरा? तो धार ले उस बात से। हाँ बता भाई अरे भाई विनीत भाई रोस्टिंग कहाँ लाइन गए? चल रही है यहाँ पे, हाँ हाड़ी भाई चिच्ची पता है, देते हैं तेरा बाप के करे। बता भाई तन्मय भाई, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? अरे ओ भाई जी तेरी आवाज नहीं आ रही है, तेरे कान में किसने माल भर दिया क्या जो आवाज रुक गई? किसने झाड़ा तेरे कान में घी को लौड़ो? अरे यार, अरे आ बाल रहे हो उगाई वाले पहले को बाल, आप ही समझ में। इस क्या हाल है गंजे यादव की, जी? इस गंजे की क्यों बहन चुदवाना चाह रहा हूँ मुखा? तेरी भाई देख ये जो लाइव है ये रोस्ट लाइव है। बहन चोद दूंगा रंडी के, बहुत रो लूंगा तुझे। मैं बहन के लड़ो नोएडा के, जो भटक गो भाई देख बातें तो तू बड़ो बड़ो करूंगा, तेरी बहन मेरे चोद हंसते दूंगा, ना जान चढ़ियो छोड़ भाई, दूंगा रंडी फंसाऊंगा के, तो जान उखाड़ पिटाऊंगा, दूंगा तेरी बहन चोद दूंगा, फंसो खाना तो तेरी फंसाऊंगा वहां तो चोद दूंगा। पिटाऊंगा। हाँ भाई दूध जैसी तेरी शक्ल और तू बाप बड़ो बड़ो बहन चोद करूंगा। दूंगा तो नोएडा को, तो बहन के लड़ा फॉर्चूनर ना चढ़ा तो तेरी बहन ना की भाई चूत वलंड दे के सो जाऊंगा। नोड़ा पे अपनो भाई ये अक्की भाई अपनी माथी समझा दो आग की पे, मुझ भाई, पे अक्की जो है चुदवा भाई ले नोएडा में बहन मोटी की मोटी चूत। सोने की चेन डाल के डोले। सुन चल मैं 1 मिनट में ऐड कर रहा हूँ, हैरी भाई बैठेंगे। भाई हाँ सुना, तेरे गोंड में अक्की पित्तल भर दे होंगो बहन के बता। लोड़ा फॉर्चूनर चढ़ा दूं रंडी का जो आगे यहाँ पे, बहन की चूत तेरी की। भाई सुन हमारे दोरे ना लगियो भाई, हमारे गहर ना खड़ा रहियो, मैं कह रहा हूं तुम्हें। और दीपक भाई और भाई कैसे हैं? और राहुल भाई का फंक्शन कैसे रहा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। केक ले गए थे, केक अच्छा मुझे कटा एक दिया बात भाई। बता, कितने लोगों को भंडारा खिलाया? भंडारा कल सुबह है 10 बजे। अच्छा, तो कल हम लोग लाइव कंडक्ट करेंगे राहुल भाई के भंडारा के ऊपर, और उसके बाद में थोड़ा मेरा भी नाम इधर उधर डाल दियो कि दाल दीपक कलाल की तरफ से। सब कुछ दीपक कलाल की तरफ से, हम सिर्फ वहां पे भंडारा बांटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई बात है। अगर ऐसे कर दिया ना कतई कह रहा हूँ, स्टोरी वगैरह सब शेयर करूंगा भाई। अरे भाई कोई जरूरत ना है, बस लोगों तक ये संदेश पहुंच जाना चाहिए कि भाई दीपक कलाल दिल का बहुत अच्छा और बहुत स्नेक आदमी है। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ अगर तुमने मेरे लिए इतना कर दिया ना भाई, कतई कल कह ठीक रहा है, हूँ मैं कल तुम्हारा ठीक फैन बन है, जाऊंगा। कल ठीक है, सिर्फ कल तुम्हें का पोस्टर भंडारा पे दीपक लिखना है कि कलाल। भंडारा भाई दीपक कलाल। अभी डाल दूं स्टोरी? हाँ ठीक है भाई डाल दो, फिर मैं शेयर भी कर दूंगा। चल अभी डाल देंगे भाई, भंडारा भाई दीपक कलाल। और अनिकेत क्या हाल और है? भाई कैसे हो? सुन ओ भाई फोन है भंडारा अनिकेत? खाओगा भाई? इसको भी थोड़ा पन्नी में भंडारा भेज दियो।
बहन के लोड़े तेज से बोल लो कुछ। भाई मैं वही कह रहा हूँ, कल तेरे को गुलाब जामुन मिलेगा। भंडारा भोसड़ी की, तू ही बाटी भंडारा। सुने बात बता, तू ही तुझे जरूरत है भोसड़ी की उसकी। भाई देख, दो दो गुलाब जामुन खाएगा काले काले, बता। दो गुलाब जामुन जब तू ऐसा तेरे मुंह में घुसेगा कैसा फील करेगा बता। भाई कल गुलाब जामुन का भंडारा है भाई, तो जब अरे तुझे जरूरत है आंट खाने की, ना तू खा भोसड़ी के आंट। अच्छा भाई तू गलत बातें क्यों करे भाई, मैं तो तेरी माँ भी चोद दूंगा भोसडी के। अरे तो उससे अच्छा तू मुझसे चुदवा लेना। अरे तू तेरी चोद दूंगा मैं भोसडी के। भाई वो भोसडी के होता है, भोसडी के नहीं होता है। अरे भोसडी के नहीं होता है वो लोड़े भाई। क्या भाई तू क्या करे भाई तू, अनिकेत विशाल के लिए बस वसरा विशाल के लिए विशाल को नहीं आ रहा भाई। ये रोज क्लाइंट चल रही है, यहाँ पे आओगे तो भाई तेरी कच्ची उतरेगी। अब बता। चला गया मैं और ऐड कर। वो भाई पिए। अच्छा ये भंडारा जो है ये कितने लोगों के लिए है भाई? ये देख भंडारा जो बनवाएंगे हम, वो कोई गिनती नहीं है भंडारे की, ना कभी गिनती नहीं होती, ये होता है प्रभु इच्छा तक। अच्छा अच्छा भाई, वो आर्यन चौधरी है वो बड़वा कॉल कर रहा है, कह रहा है कि मेरे को ले कर गई आर्यन चौधरी, इसका मैसेज आ रहा है भाई। इसकी पड़ी है गौण में चूल, इसका मुझे मैसेज आया है कि भाई इसके गौण में चूल मची पड़ी है भाई, ले ले इसको भाई। मैंने क्योंकि जब तक यार इसके गौण में बंबू नहीं जाएगा ये सुधरेगा नहीं। मैंने आर्यन भाई को कई बार रिक्वेस्ट भेज दिया, आप उनसे बोलो भाई। मैसेज आया है डल्ले का, ये देख डल्ले का मैसेज आया है, उनको ऐड कर लो भाई, वरना एक अपने भाई है इंडियन अक्की, उनको ऐड कर लो। किसको भाई किसको? हाँ एक इंडियन अक्की करके भी है भाई, वो दोनों है लाइक। क्या नाम भाई? नीचे कमेंट आ रहा है इंडियन अक्की। वैसे तो ये आर्यन चौधरी भी मैसेज कर रहा है, इसको चूल मची पड़ी है। आर्यन भी है और वो अक्की भाई भी है अपने। हाँ इंडियन अक्की भाई। देखो ये लोगों का कैसा है ना, जब तक इनके गॉन पे फटके नहीं बैठते हैं ना ये लोग भाई। भाई दीपक आईडी बताइए वो अक्की इंडियन अक्की भाई की। मैंने भेज दिया, आकाश गुजराल नाम है ना भाई का? भाई ना आकाश गुजराल नाम है भाई। अच्छा, एक ये गुजराल ये भंडारा करे और एक वो गुजराल साला लोगों के दुकान में से चोरी कर करके परचून का सामान चोरी करे भाई, फर्क देखियो कितना है। ये भी अपना गुजराल ही है भाई। बट दोनों में फर्क है कतई। आ जाओ भिखारी भाई, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी कई बार, भेज दी कई बार भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, ये बंदा जो है भाई इतना स्ट्रगल कर रहा है इसके लाइफ में, बट इसको यार 500 के ऊपर कभी व्यू नहीं मिले बता। भाई इसकी जो वायरल वीडियो है उसको 1200 व्यू मिले, इतना खुश हो गया ये भाई। 1200 लोगों ने इसको ऐसे लगा जैसे 1200 लोग लाइव में खड़े है। क्या कह रहा है तू गांडू, क्या कह रहा है? राम राम भाई, बहन जो भंडारे के लायक है तू? अरे भाई मेरे नाम से भंडारा खाने अपनी सिकल तो देख ले, बहन चोद कोई 2 रुपए ना दे तेरे को। अरे भाई देने की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लोगों को बांटने की बात कर रहा हूँ भाई, भाई इसको भंडारे में 18 रुपए का बूस्टर दे दियो भाई, इसको भंडारे में 18 रुपए का बूस्टर दे दियो भाई। का नेटवर्क चलता दिखे, नेटवर्क पता नहीं, नेटवर्क दिक्कत है मेरे ख्याल से लोगों का भाई। अक्की भाई को ले लियो, अक्की भाई लाइव में नहीं है, मैं रिक्वेस्ट भेज दे रहा हूँ अक्की भाई को। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, आर्यन चौधरी, आर्यन चौधरी है भाई उसको देखो। हाँ वो तो मैसेज कर रहा है यार, तेरे को कैसे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करियो, डबल ए सुनो, डबल ए मैंने कहा है, मुझे मैसेज भी दिख रहे हैं सब कुछ, पर भाई मैंने भाई को कई बार रिक्वेस्ट भेज दी, भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे मेरी। देखो एक बार और भेज के देखो, आर्यन चौधरी भाई ये मैंने, और इसके डबल ए नहीं है भाई, ARYAN आर्यन _ चौधरी और 3 _ ऐसी है इसकी आईडी, ऐसे कोई डबल ए नहीं है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट भेज दी भाई को और दोबारा भेज दी मैंने। हाँ और भाई मोटे भैया कहाँ पर है? मोटे भैया अभी घर पे ही है, अभी आया हूँ मैं अभी घर, अभी उनका केक काट के उनके भतीजे आ रखे थे।
शायद मुझे लग रहा है आगे फॉलो नहीं बोल बोल रहे क्या कह रहा है पता है भाई मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो तेरा मेट जो है तू बातें बहुत करना चाहता है बट तुझे जियो अलाउड नहीं कर रहा है भाई जीने के लिए टावर लगा हुआ है घर की छत में बैंड पता है तेरे को भाई वो टावर तेरे गार्ड में लगा पड़ा हुआ है और इसीलिए भाई सिग्नल रुके है बैंड के लोड़े सुन बैंड दे पहले भाई पता भंडारा कौन कर रहा है बैंड तेरे नाम का ही पता भाई अपना ये भाई है इसका नाम है गुजराल हैरी गुजराल तेरा भाई नहीं है तो हमारा भाई है बहन चोद तेरे नाम का भंडारा कर रहा है शुक्रमाना बहन चोद कोई और होता ना तेरे को ठोकता और अलग से बहन चोद भाई अपनी जान है भंडारे तू भंडारे भाई दीपक कलाल ने सिस्टम पार रखा और दीपक कलाल की रिपोर्ट ओके है बिल्कुल बिल्कुल सुन एक बात सुन साले तेरे को सब गुजरों का इतना प्यार है कैरी मिनाटी ने तेरे को चलाया अनिकेत भाई हैरी भाई अक्की भाई सब गुजरों ने तेरे को चढ़ा रखा है पता है तेरे को भाई दीपक कलाल अभी सबका एंटरटेनमेंट कर रहा है ये लाइव जो है ये कोई मैं किसको गाड़ी देने के भाई तुम सब मेरे बाड़क हो तुम्हारा ताऊ हूँ मैं ये तेरी बात है ताऊ ने ठेके लगा रखा है कि अपने जितने भी बाड़क है उनका मनोरंजन करना भाई आजकल हर एक बंदा जो है वो टेंशन में है ये बात तुम मौने की नहीं मौने नहीं मैं तो मानू ना मानू बहन चोद तो अगर मैं तेरी गौण मार के यहाँ पे 8,000 लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ तो उनके मौज के लिए अगर तुझे गौंड देनी पड़े तो तू खुशी खुशी ना देवे नहीं मैं तो दे दूंगा बहन चोद तू मेरा कहाँ झेल पाएगा तू ले लेगा मेरा झेल लेगा तू अरे भाई ये लाइव का मैं रोस्ट किंग हूँ तू कैसे मेरी लेगा भाई मेरे हाथ में एक बटन है जिसको कहते हैं लटकाना किंग मेरा नीचे लटक रहा है तू बहन चोद तुझे पता है भाई क्या नाम है राज भाई राज भाई मैं एक बार आर्यन भाई को ले 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 कोई नहीं मैं तो सो रहा हूँ एक मिनट में ठीक है भाई भाई सो नहीं रहा हूँ तू नीचे लटक फील कर भाई फील कर टट्टे जैसा नीचे लटक और फील कर चियो आर्यन दीपक भाई एक बार आर्यन भाई को बोल लो मैं रिक्वेस्ट दे दिया आर्यन भाई को बहन के लोड़े दीपक रंडी के बीच तू बहन के लड़के कह रहा है तेरी माँ की तेरे को मैसेज कर रहा हूँ तू मेरे को लाइव शेयर कर रहा है मेरे को फोन कर रहा है कि लाइव आजा मेरी माँ चोद है तेरी माँ ही तो चोद में आ रहा था मैं अनिकेत भाई दिखा तो तेरा मैसेज दिखा भाई तू है ना लाइव मैसेज दिखा अच्छा समझ गया मैं समझ गया एक मैसेज दिखा चल मैं मानूंगा तेरे को एक मैसेज दिखा मैं मानूंगा तेरा बाप फोन पे लाइव आ रखा है कैसे दिखा दू तेरी माँ की चोद पर तेरी मम्मी हड्डी कच्ची दिखा तू यहाँ पे लाइव में बता पन्नी पहनती हो पर कच्ची नहीं पहनती पन्नी पहनती दिखाऊं भाई तू एक बात बता जब तुझे पता है ये ऐसी बातें करने से तेरे को पुलिस उठा के लेके जाएगी बिना गाली के रोस्ट करूं तेरे को आज बिना गाली के ठीक है चल कर बिना गाली के रोस्ट कर तू बोल बोल तू तेरी मम्मी को ट्रेन आ रही है ट्रेन आ रही है देख अभी आएगी देखियो देख अभी देख औरन भी देगी तेरी माँ देख औरन देगी तेरी माँ बहुत तगड़ा मम्मी ने पाद मारा पाद देगी पतोड़ी को मारा देख देख ट्रेन देख देख ये रही देख ये देख ये रही जा रही देख ये जा रही उड़ के जा रही तेरी भाई तुम लोगों की जिंदगी या तो हरियाणा बस परिवहन निगम या रेलवे स्टेशन भाई ये जो गवर्नमेंट के अड्डे है भाई ये प्रवासियों के यात्रियों के लिए तुम्हारे लिए नहीं है ये सुने गाली नहीं देना गंडवा गाली नहीं होती तेरे जैसे गंड में ना पुल के नीचे उठा के राहुल भाई को ऐड करना राहुल भाई को मैं कर रहा हूँ अरे नहीं नहीं सुन अरे भाई सुन हैरी की जगह पे राहुल भाई को कर वो इनकी गांड मारेगा राहुल भाई किसकी मारेगा भाई गांड किसकी मारेगा चल तू मरवा देख ये बहन का लड़ भग गया इसको लियो पहले अनिकेत तू ना यार शेयर कर रहा था मेरे भाई यार अब समझ गया मैं समझ गया भाई समझ गया मैं बार बार ये तो कह रहा था मैंने मेरे को आई नहीं रही थी लाइन बोझ लिया ना भाई एक बार राहुल शर्मा भाई की आईडी बता दो एक बार कोई अरे मैं धीरे तो दे रहा हूँ यार तो लिया ना एक बार लिया जल्दी भाई और भाई अभी जो बंदा आने वाला है ना भाई बहुत बड़ी तोफ है और वो भाई इतना बड़ा मीटर खींचेगा ना मैं कसम से कह रहा हूँ भाई तू नंगा नंगा दौड़ेगा रे पटरी पे एक बार राहुल भाई की आईडी बता क्या है अरे भाई तुझे राहुल भाई की नहीं पता है आईडी को तो सुना है सुन सुन बुलाने का तो तू किसी को भी ऐड कर ले देख हम किसी से फालतू नहीं बोलते
देख हमारा ये रूल है, पर तेरी माँ मेरी सेटिंग है, तेरी बहन। अच्छा सुन, अक्की भाई को लीजो कॉल पे। अक्की भाई को ले, मैं वही कह रहा था, अक्की भाई को ले। दीपक हाँ, मम्मी की तो तूने कल रात को साफ कर दी उससे। राहुल भाई को ले लो। मैं आईडी बताया था, यू भाई कोई और है भाई। मैं राहुल को आईडी भेजता हूँ भाई। राहुल इसकी एसी लेगा ना, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, राहुल है ना इसको बर्बाद कर देगा भाई। तो किसी से उल्टा बुलवा, मैं बेफालतू में तू उल्टा बुलवा तेरी भाई। देख मैं एक बात बता रहा हूँ, राहुल तेरी एसी लेगा ना भाई, मैं कतई कह रहा हूँ भाई। तू औंधे मुंह गिरेगा भाई, औंधे मुंह। सुन तेरी मम्मी तो औंधे मुंह रहती है, औंधी गांडर्स की, तो हम तो औंधे मुंह गिरेंगे। आंधे पहले आंधे गंजे पे मैसेज कर दुनिया भर को। अरे भाई फिर तो कैसे मजा आएगा यार, यहाँ पे लोग बुलाओ ना, मैं तो फंस गया हूँ ये चक्कर में। तू रोस्ट किंग बन हमारे सामने, मन तू रोस्ट किंग। तेरी माँ को टोस्ट में पेल के, टोस्ट में रख के खाऊंगा तेरी माँ को। तू रोस्ट बनाएगा। अभी मैं कॉल लगा रहा हूँ, मैं राहुल को कॉल लगा रहा हूँ। रुक काले सर्दी आ रही, नोनी घी में चोदू तेरी माँ। नोनी घी लगाऊंगा पहले अपने लंड पे, फिर चोदूंगा तेरी माँ। कर तू फोन कर ले। राहुल भाई प्लीज, ये यहाँ पे बड़वा आया है, उसको सबक सिखाना है, अब जरा लाइव पे आओ प्लीज। अरे गेस्ट आए हुए हैं यार घर पे। अच्छा अच्छा, घर पे भाई के घर पे गेस्ट आ रखे हैं, घर पे खुद गेस्ट आ रखे हैं हमें टट्टी साफ करने। भाई हाल तो मेरा अच्छा है, बट ये बंदा जो है भाई, इसको टट्टी खवानी है भाई। अब तू मुझे बता मैं किससे इसको टट्टी खवाऊं, क्योंकि भाई ये भूख आके मानेगा भाई ये। अबे तू बहन के लोड़े तो बुला ले भाई, बुला ले तू, बुला ले। देख हम देख तेरे तो कुछ नहीं कह रहे, तेरी माँ तो चोतता हूँ मैं, रोज चोतता हूँ, सुबह शाम चोतता हूँ, तू बुला ले। और अंकित क्या हाल है भाई? एक बहुत बड़ा 1 मिलियन का पेज है यार, उसने मेरा डाला है वीडियो। ले तेरी माँ पता नहीं कहाँ खो गई, कहाँ खो गई वो कहाँ खो गई कि भाई ले लेते कि भाई इसको ले गई। मैंने रिक्वेस्ट भेजी है कि भाई को, एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्यों अक्की बैठा है क्या? कई बार भेजा अक्की भाई, चला अक्की भाई है तो यार। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी कई बार। आर्यन भाई एक मिनट में ले लूंगा आपको मैं ना। हाँ लो भाई, लो अक्की भाई को लो पहले। दीपक बोल क्यों ना रहा, बोल है जो कहा होगा मुंह में कहा। भाई मेरा एक बहुत बड़े पेज ने वीडियो डाला है, तो वो वीडियो है ना, जरा मैं ये कर रहा हूँ, मतलब ये दिखा दिखा क्या कर रहा है, दिखा तो सही। अक्की भाई उसको मैं मैसेज। और भाई अक्की भाई कैसे हो मेरी जान? एक्सेप्ट गाय गुना करेंगे अक्की भाई। हेलो भाई हमेशा तो तू कभी हिरनी का मटन खाए, कभी कुछ शिकार करे, कभी कुछ खरगोश शिकार करे। आज भाई मुझे ऐसे लग रहा है कि अपना अक्की भाई शिकार को नहीं गया है भाई, तू तो जंगल में जाए नोएडा के। किसी दिन तेरा शिकार होगा दीपक। भाई मेरा एक बहुत बड़े पेज ने वीडियो डाला है, इसीलिए मैं उसको जरा पिन कर रहा हूँ, जरा पिन कर रहा हूँ एक कमेंट को। एक बार दिखाओ कौन सी वीडियो डाली है। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई तुम लोगों को, ये वीडियो बहुत 1 मिलियन के पेज उसने डाली है, मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये देखो भाई ये वीडियो डाली है,
और ये वीडियो बेचो डाल के इतना इसको व्यूज आ रहे हैं, ये बहुत बड़े, इसको ये पेज को 1.1 मिलियन है। बहुत तगड़ी वीडियो दीपक भाई, मेरे हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया था, गाना गा रहा था भाई। इसको है ना 5 मिनट में इतने व्यूज आ गए, देख 63, 5 मिनट में इतने व्यूज आ गए ये वीडियो को भाई। तो भाई मैं देख रहा था, तो दीपक तेने दुनिया फेमस कर दिया है दीपक भाई। ऐसे भाई ये जो मीम, अब भाई मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, लोग मेरे को इतना पसंद करते हैं ना। और अब यार देख, मैं ये मीम्स वगैरह जो पेजेस है ना भाई, मैं बहुत सालों से वीडियो बना रहा हूँ, बट लोग फिर भी लाइक करते हैं, बड़े बड़े लोग। अभी ये पेज 1.1 मिलियन का है, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि दीपक सर आप हमारे लिए कुछ वीडियो बनाओ। और ये जितने भी मीम्स पेज है ना भाई, जो मिलियंस में, उनसे मैं कुछ भी पैसे नहीं लेता हूँ। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि उनके जो फॉलोअर्स है वो भाई मिलियंस में होने चाहिए। जैसे ये पेज है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है भाई, इसको फॉलोअर्स है 1.1 मिलियन पे। देखो भाई, अगर आपका पेज 1 मिलियंस में होगा, ये देखो आप मुझे वीडियो बनाओ, ये देखो वो बंदे का मुझे मैसेज आया, कमेंट करो, मैं आपका कमेंट पिन करूंगा। ये देखो बंदे का मैसेज आया, मैंने भाई बंदे को मैसेज किया वीडियो पे, ये देखो मैं मैसेज क्या किया है मैंने भाई, ये देखो, ये देखो मैसेज किया है, भू खा ले मेरा भाई, ये मैसेज है, ये देखो भू भू खा ले मेरा, ये देखो ये देखो भू खा ले मेरा भाई, उसने पिन किया है। भाई बड़े बड़े लोग, तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ यार कि देखो मैं वायरल बंदा हूँ, आप लोग यार दीपक कलाल के वायरल होने का फायदा उठाओ। और मैं कतई कह रहा हूँ यार, आप लोग अगर मेरे गेल जुड़ेंगे, मेरे दोस्त जुड़ोगे, मुझे भी दोस्त मिलेंगे जैसे ये दोस्त मुझे मिले। बिल्कुल बिल्कुल यार, मुझे भी अच्छा लगता है कि नए नए लोगों से दोस्ती करें। और ये लोगों ने मुझे प्यार बताया, भले अपना अक्की भाई हो, भले अपना अनिकेत भाई हो, भले अपना अंकित भाई हो, भाई इन्होंने दीपक कलाल को प्यार दिखाया, क्योंकि दीपक कलाल चंद सालों के लिए जिंदगी जी रहा है भाई, दीपक कलाल मरने वाला है। अरे भाई हम नहीं मरने देंगे भाई, कैसे बात कर रहे हो, दीपक का नंबर मिले भाई, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग की मार चुक जाती है जब आप इस बात को बोलते हो। भाई अक्की भाई, सुबह मुझे तुम्हारे 2 लाख रुपए मिल गए, और यार मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूँ, वो 2 लाख रुपए की भाई मैंने शॉपिंग नहीं की, क्योंकि आपको भाई करोड़ों का दान धर्म करते हुए दीपक कलाल देखता है भाई, मैंने सोचा कि मैं भी दान धर्म करूं यार, जो 2 लाख रुपए आपने मुझे शॉपिंग के लिए दिए थे यार, मैंने भाई वो खर्च कर दिए। कहाँ कहाँ बांटे वो, उनके बाद किस किस का फोन आया कि बाद में भी वो उनको जरूरत पड़ेगी, आया किसी का फोन वोन? भाई ये देखो, पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरा तो ये है भाई कि पैसे बांटते रहो और उसके बाद में लोगों में भाई प्यार बांटते रहो। ये नहीं आर्यन, तो आर्यन चौधरी है ना भाई, ये तो भाई उसकी गांठ बांटे लोगों में, बट दीपक कलाल भाई हमेशा प्यार बांटे। अक्की भाई देखो, मैं चाहता हूं कि मुझे भाई ये बंदे को सिखाना है सबक, भाई कौन ऐसा बंदा है जो ये बंदे को इसकी औकात दिखाऊंगो, मैं भाई ये चाहता हूं कि ये बंदे को इसकी, भाई ये बंदा जो है ना, ये अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझे भाई। कौन है दीपक? तुमसे बड़ी तोप ना कोई भी, तू टेंशन मत ले यार, तू तोप है। एक मिनट, एक ऑस्ट्रेलिया की मैडम है यार, उनका नाम पायल है, और वो मुझसे बात करना चाहती है, और वो आप सबकी फैन है, और वो ऑस्ट्रेलिया से है। ले लो तो एक मिनट, मैं उनसे मिलवाना चाहूंगा आपको। पूछ ले एक बार, आवेदन। हाँ मैं उनको बात करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और मैं आपके वीडियो देखती हूँ, और उन्होंने कहा कि जब भी आप लाइव जाओगे मुझे बताना, मैं आपके सबको मिलना चाहता हूँ, उनको मैं उनसे बात करता हूँ। उनका नाम है पायल। दीपक ये बताओ, जिस बोरी में पैसे थे उस बोरी का वजन कितना था जो तब तुम तुलवाया था? भाई उसका वजन था 5.5 किलो था, और मैं बहुत खुश हूँ यार कि मैंने सभी पैसे जो ये बांटे, मुझे सुकून मिला। 50 लाख में 5.5 किलो वजन हुआ भाई, पता नहीं। हाँ चलो इनको ऐड करो भाई, इनकी आईडी है नितिन_सचदेवा,
मेरी जगह बाद में कर लूँ। हाँ नितिन NITIT नितिन, उसके बाद में अंडरस्कोर सचदेवा अंडरस्कोर 16 सचदेवा अंडरस्कोर नितिन, नितिन के बीच में दो अंडरस्कोर है, नितिन दो अंडरस्कोर सचदेवा पायल नाम है ना, पायल नहीं नहीं तो मैं हाँ वही चाहता हूँ कि भाई ये कॉल पर आए नितिन सचदेवा, नितिन सचदेवा भाई आप कॉल पर आए, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं और आपने मुझे गुजारिश की थी कि मुझे लाइव में इनवाइट करना, मुझे आपका मैसेज आया था जो मुझे अभी याद आया, आप कॉल पर आ जाओ। नितिन सचदेवा अंडरस्कोर 16 हेलो एक्सक्यूज मी नितिन जी आज क्या अभी उठे हैं बस नहीं नहीं प्लीज आप लाइव पर आना क्योंकि अभी लाइव तैयार है आपके लिए। आज 15 मिनट क्या वो आप आओगे लाइव पे? आज 15 मिनट में आते हैं। अच्छा अच्छा 15 मिनट लगेगा। निकल अनिकेत भाई ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और ये मेरी बात मानिया 88 26 उनको ऐड करना। हाँ आर्यन भाई अलग की भाई मान लेता हूँ मिनट बाद। अरे भाई ये ओला उबर ड्राइवर को ज्यादा मत चढ़ाओ, इसको इसकी औकात में रखा करो। इसको तो बोलना है अपने को भाई, जब अपने को चप्पल मारने का किसको मन करे, दो चार चप्पल मार के इसको भगा देना भाई, इसकी ये औकात है। जब तेरे को अपनी माँ की छूत मनवानी होती है ना, जब याद करता है वो चप्पल नहीं मार सकता तू, तो तेरी माँ का टॉप लेवल का दल लाऊ मैं, टॉप लेवल का बहुत चुदवाई तेरी माँ जो तू ओला उबर में तेरी माँ चुदती है। और सुन और जो तू अभी ये भैनगढ़ दो दो फोन चला रहा है ना, जो तेरे घर में बत्ती का जो तेरे घर में बिजली का बिल भर रहा है, ये भैनगढ़ तेरी माँ की कमाई के पैसे जो गांड मरवा के अब तो बहने के लोड़े उठ सकती नहीं हो है, बहन के लोड़े अब तो चुत चुत कर चूत का भोसड़ा बन चुका है। थमो 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 भाई अनिकेत, मैं जब तो मैं इस गांडू को है ना, मेरे पास इसके प्रूफ है सारे गाली। ठीक है गाली, पर जो भाई की माँ है ना भाई, हमने मैंने तुमने भी बात करी, मैंने भी बात करी, हमने भी करी है भाई, वो तो कह रहा हूँ। अभी मैं किसी और के लाइव में था, यहाँ के करवा रहा कि अब आर्यन गाली दे रहा है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, और मैं गाली दे देता हूँ तो मेरे पे केस होगा। हैं बहन के लोड़े हमारे सामने तो पॉलिटिक्स खेलेगा है रंडी के भाई। देख सेलिब्रिटी हूँ यार मैं, तेरे जैसे गाली मत कर सकता हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तू भाई 2 करोड़ का आदमी है, तू जेल में जाएगा तो ऊपर का खाना खाएगा, तुझे तो तू तो चाहता है कि तू जेल में जाए और तुझे फ्री का खाना मिले। खड़ा होता है तो तेरी गांड को सलामी देता है, तेरी गांड को सलामी पता है तेरे को, सीधा तेरी गांड को सलामी देगा और बढ़ेगा पच से बढ़ेगा क्या फायदा, तुम दोनों की बहन एक साथ चुदेगी। उतार चश्मा, अब उतारा, अब लग रहा है बहन को सिर्फ रंडी का बच्चा, अब लग रहा है बहन के चुराई खाने का, तेरी कसम दीपक ऐसे रात। मेरी बात सुनो, सुन तो लो लाइव भाई, दीपक भाई ने ये कहा था मुझसे कि मैं एक बाप की औलाद नहीं हूँ, अगर दीपक भाई को बिना गाली के रोस्ट कर दे कोई तो भाई दीपक चल, भाई कर ले आजा चल बिना गाली भाई, रोस्ट करूंगा कोई गाली का। अरे भाई इसकी ये जीबी रोड की पैदाइश है, देख अभी इसका पूरा बचपन मंगलवार रोड की पैदाइश है, उसके बाद में गुलाबी बाजार वहाँ पे इसका बचपन गया। गुलाब दस्ते दे दूंगा तू मुझे बता, कमल का फूल सुन भाई, बचपन में हम लोग दूध पीते थे वहाँ से भी निकलेगा भाई, हम लोग जवानी में दही दूध खाते थे इसने भाई, कंडोम के कंडोम है ना भाई, यूज कंडोम वो गले में डाल डाल के इसने भाई प्रोटीन किया है। हुक्के में जो उपले सिलेक्टे ना, उपले सिलेक्टे वो तेरी माँ की चूत में रख दूंगा और तेरी गांड में रख दूंगा, गांड में ऐसे फुक्के पड़ेंगे ना, याद रखियो ऐसे फुक्के पड़ेंगे। अक्की भाई सुन, हम लोगों को भाई डिसीजन लेना पड़ रहा है तेरे को नीचे बिठाने का। अरे जो बंदा है भाई ये बहुत पैसे वाला बंदा है, अलग फैमिली से, सुन ये बंदा अलग फैमिली से है। सुन हमें देख, हमें ना सबका बहरा है, कौन कहाँ का कौन कहाँ का नहीं, तू बताएगा मैं गंडवे भाई, यही तो अमीर फैमिली से तेरे को पता चलेगा ना ये बंदा कौन है भाई, तू इसका मुंह में ले लेगा
सुन इसके इसके भाई तू आंध चूम ले यार, वो नशा करता है तू उससे भाई, ये बंदा इतना पैसे वाला है भाई, तू इसके आंध चूम लेगा ऐसे, इधर एक ऐसे आंध आंध इकट्ठा करके भाई ऐसे चूम लेगा इसके दोनों आंध इकट्ठा करके, इतनी बड़ी तोप है ये बंदा। सुन सुन तो ले, सुन तो ले, दो अगर तेरे पे दो अगर नारियल रख देना, दो नारियल तो रंडी के उसके बोझ से मर जाएगा, अगर मैंने टट्टे रख दे तो बहन करे क्या होगा तेरा ये बता दे, चाटेगा तू उन टट्टों को तो तेरी पूरी जिंदगी या तो पटरी पे जा रही है या हरियाणा बस परिवहन निगम में। हरियाणा सुनो, हरियाणा यूपी भाई ये बंदा बैठा है अभी पटरी के पास, पलवल रेलवे स्टेशन के पास, अरे पलवल रेलवे स्टेशन के पास ये बंदा बैठा है अभी, बताओ कैसे भाई। इसको ये कौन है, ये तो ओला उबर ड्राइवर है, जब भी मन करे भाई इसको ऊपर लो, जब मन करे भाई इसको गौन पे लात मार के नीचे बिठा दो भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ ये भाई अपना एंटरटेनमेंट है, जब भी भाई थूकने का मन करे भाई इसके गौन पे थूक के दो चार शॉट मार के भगा दीजो। रोम रोम भाई कैसे हो भाई? राम राम जी, राम राम, ठीक हो? रोम रोम भाई आप तो मेरी जान हो भाई, और आपके बारे में अक्की भाई ने बड़ी तारीफ की है। भाई अक्की भाई ने कहा कि आपकी रिपोर्ट ओके है, भाईचारा जो है आपने खींच के रखा है, और आपका सिस्टम तगड़ा है, बहुत तगड़ा है जी, बहुत सिस्टम बदल। ये मेरे बड़े भाई है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, ये मेरे बड़े भाई है। मानिया भाई अभी जो लड़का आया था भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, उसको कबूतर बनाना है लड़के को कर बना इसको अपनी जो होटल है नोएडा में, आपकी होटल है भाई नोएडा में, उधर इसको इनवाइट करना भाई, जैसे इसको बियर का लालच देंगे भाई ये बराबर पहुंच जावे वहां पे, इसको भाई जब ठंडी ठंडी बियर हम लोग दिखाएंगे ना वीडियो कॉल में, भाई ये बंदा इधर उधर हांडे, ये बंदा ढूंढे कि भाई कौन से बियर शॉपी के शटर खुले हैं, और ये वहां पे उसकी ताकत आजमा के शटर तोड़ के भाई बियर की ये पेटियां की पेटियां उठा के लेकर भागे, ये बंदा भाई बियर चोर है, बियर चोर कौन, कौन ये आर्यन चौधरी ये बंदा भाई बियर चोर है, और अपने को इसकी भाई गौण तुड़ाई करनी है कतई। अरे भाई जैसे तुम बोलोगे ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। मानिया तू मुझे बात बता भाई, हम लोग तो भाई बियर से नहाने वाले लोग है भाई, जब सुबह बियर बचती है ना भाई हम लोग कमोड़ में खाली कर देते हैं बियर। एक बात बता, जब भी मैं तेरे फार्म हाउस पे आता हूँ भाई, मैंने 10 बार तो बियर से गौंड धोई है मेरी। पिछली बार जो पार्टी हुई थी भाई, 150 बॉटल खोल खोल के कमोड़ में फेंक दी थी हमने, फ्लश की थी, ये बात तू मौने कि नहीं मौने भाई? अब तू बता, हाँ ये लड़का जो है भाई अपनी झूठी बियर भी पी ले रहेगा ना भाई बची हुई भाई जिंदगी इसकी हो जावे, ये चार लड़के भाई एक सिगरेट चार लड़के फूक फूक के पीते बता, और अपने अक्की भाई दो कश मारते मार्लबोरो लाइट्स के 20 रुपए की एक सिगरेट यार फेंक देते दो कश मार के, ये भड़वे क्या करते पता है, चार लड़के एक सिगरेट पीते ऐसी ये ऐसे करके पी रहे बता। भाई का टैटू देखो, टैटू बहुत तगड़ा है, टैटू आपका बड़ा तगड़ा है भाई, आप मेरी जॉन हो भाई कतई। बॉडी बड़ी तगड़ी है, जरा डोला दिखाइयो अपने पूरा टैटू दिखाओ। दीपक भाई बीमार चल रहा हूँ, डोला वोला खत्म हो गया बड़ा यार नहीं भाई तने अच्छी बॉडी बनाई है पूरा, ये तेरा डोला दिखाइयो जरा, दिखाओ ना खत्म है भाई, ये टैटू वाला बना रखा है दीपक भाई, जो सनम तेरी कसम मूवी में नहीं है टैटू? हाँ 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 हाँ
वही टैटू है पर भाई टैटू बहुत तगड़ा है भाई, बहुत बड़ा टैटू लग रहा है भाई। नहीं भाई बहुत अच्छा टैटू पड़ा है आपने दीपक भाई, ये टैटू बनवाने बनवाने में एक तो 3.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था और दूसरा हम 2 हफ्ते परेशान हुए थे, 2 हफ्ते तक ये टैटू चला था भाई। नहीं नहीं भाई, भाई का टैटू बड़ा तगड़ा है और ये सनम तेरी कसम मूवी मैंने देखी है, इसमें कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस है? हाँ 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 वही है। अरे और भाई आप वैसे कहाँ से कहाँ पे रहते हो आप? ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा तो आपके घर के पास में रहते हैं क्या? मेरे घर में ही भाई हैं। भाई अभी जो कॉल पे आया था वो बड़वा भाई इधर उधर हांडे वहां पे फरीदाबाद पे रहे बदरपुर बॉर्डर पे। मनिया भाई इसको उठा रहा है भाई, इसकी करनी है तुड़ाई भाई। कोई दिक्कत ना दी भाई, भाई देख मैंने उसको क्या बोला कि भाई जब हमारा मन करे हम तुझे खिड़की में बिठाएंगे, जब मन करेगा लात मार के नीचे बिठाएंगे। भाई तू मुझे एक बात बता, ये ओला उबर चलावे भाई इसकी औकात क्या है? भाई हम लोग बड़ी टोपे ऊंची अप्रोच है भाई, हम लोगों ने सिस्टम फाड़ रखा पूरा कतई। मैं जा रहा हूँ अनिकेत अंकित ले ला, मैं जा रहा हूँ मुझे नीचे कर अंकित भाई ले, मानिया भाई को बैठे रहने थोड़ी देर, अंकित नहीं, को ले काम करियो आर्यन चौधरी को लीजियो जरा। आर्यन भाई सुन मानिया भाई, मेरी आईडी दीपक भाई मेरी आईडी में फॉलो करवाओ भाई, मानिया भाई उसको औकात दिखानी है उसकी भाई। कोई आर्यन को भाई, अपने मानिया भाई जो है उसके गांव में मणिया, मैं कह रहा हूँ मणिया नाम इसलिए लिखा है। आ, भाई मैं आपको फॉलो करूंगा। ए, देखो भाई ये सब आप मत दिखाओ, आपकी चूची देख के मैं गर्म हो रहा हूँ भाई। भाई नाम पढ़ो क्या लिख रहा है ये मनिया नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ये चूची ऊंची मत दिखाओ, मैं मेरे को करंट आ रहा है भाई कतई। अंकित को ले लो, अंकित को मैं जा रहा हूँ, अंकित को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी भाई को। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, मेरा सांप है ना वो एनाकोंडा हो गया आपको देखकर। कोई दिक्कत नहीं है दीपक भाई, अंकित भाई आ जाओ। बट भाई पर्सनालिटी बड़ी तगड़ी है आपकी। अच्छा दीपक भाई दीपक भाई सुनो। अच्छा आप रोहतक गए थे क्या? हाँ रोहतक गया था मैं। अच्छा अंकित भाई अक्की भाई को ले लो। अरे भाई ऐसा मत करो, आ जाओ यार। अरे तो उसको ही ले लो ना आर्यन चौधरी को, अंकित के साथ में दोपहर में बहुत बार गया हूँ, 1.5 घंटा उसके साथ लाइव चलाई है, अभी तुम्हारी लाइव है तो इसको लो अंकित चौधरी को। ठीक है भाई, सॉरी अंकित चौधरी नहीं आर्यन चौधरी को लो, रिक्वेस्ट भेज दी मैंने आर्यन भाई को। भाई ये आर्यन चौधरी है, इसकी गांव फटेगी इसके सामने। बोल गंडवे बोल तेरी बहन। सुन अबे चल भाई, ये बंदा जो है ना भाई ये केंट बंदा है बड़ा, ये बंदा उठाता है भाई जहाँ पे भी है। तू एड्रेस बता दीजो, एड्रेस बता ले, जो जो पूछेगा उसे बता देंगे। तू क्या अपनी बहन चुदवाएगा मेरे से? यू बताना तू अपनी माँ भाई, ये पिक्चर भर देता है भाई, ये गांड में पिक्चर भर देता है अपना भाई है। अबे बहन के लड़े डलवा ये कर, बहन के लड़े बोला करना तेरी गांड। अबे बहन सुन तू हिजड़ानी है तू, भाई इसको बियर पिला दो भाई। सुन भाई इसको बियर पिला दो, बुड्ढी हिजड़ी है बुड्ढी। बियर तेरी माँ की चूत में दूंगा बियर। सच बता सच बता, सुन अगर मनिया मनिया तेरे को बियर देगा उसके आंग चूसेगा कि नहीं? सच कैसे अगर बियर देगा ना तो तेरी माँ की चूत से खोलूंगा वो बियर। अगर ये बंदा बियर देगा तो तेरी माँ की चूत से खोलूंगा बियर वो। और गांड से बता ढक्कन, अगर तेरी माँ ने अपनी गांड में फंसा लिया तो हग नहीं पाएगी वो, कोई छेद में तो ढक्कन आ जाएगा। झाट पड़वा ले मेरे बहन के लंडे, तेरी माँ की चूत में भाई देखू ये बड़ा गंदा आदमी। हुक्के के छल्ले दूंगा, छल्ले गंडी के बीज ऐसे रखता रह जाएगा सर पे भाई। ये जो तुझे मैं लोगों को मिला रहा हूँ ना भाई, तूने जिंदगी में ओला उबर चलाई है पहले बार, पैसे वाले लोग देख लीजो। मैं चलाता हूँ ओला उबर, ये भी तो सोच, तेरी माँ तो चुती है उसमें पीछे ओला उबर में, उसमें पीछे ना सीट नहीं है, उसमें पीछे बेड डलवा रखा, छोटा सा बेड पता तेरे को, इनोवा में छोटा सा बेड डलवा रखा है। भाई सुनो आर्यन भाई सुनो,
दीपक भाई ने बोला है वो गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं। अरे दीपक भाई की माँ की चूत अनिकेत, रुक जा भाई, देख तू मेरी बात तो सुन, तू मेरी बात सुन। दीपक भाई गाली नहीं देंगे, मना कर रहे भाई उन्होंने। क्यों गाली, गाली कैसे दे लेगा? अरे बाप को गाली कैसे दे गए ये, बाप को गाली कैसे दे गए? इसका बाप जीजा दोनों मिक्स हुए, ये कैसे गाली दे गए मेरे को? ए बहन तो गांड से भाई, ये देख तेरे को चाहिए बियर। सुन अक्की भाई, सुन अक्की भाई, सुनते हैं नशा वो करते हैं। देख हम लोग भाई तेरे घर में पार्टी करते हैं, इसको दिखाइयो जरा भाई, तेरा वीडियो बताइयो इसको। सुन भाई वो यूरोपियन लड़की का, इसको वीडियो बताइयो जरा। देख दोबारा ट्रेन आ रही है, दोबारा ट्रेन आ रही है, दू वो भी दोबारा ट्रेन। देख सुन भाई एक बार अक्की भाई का वीडियो देख लीजो, अक्की भाई वीडियो देख, दिखाइयो इसको अक्की भाई। देखो गई दोबारा बात दे तेरी माने, अब क्या करूं मैं बता। सुन अरे बैठा कहा ये बताऊं तेरे को, वहां बैठो गंडवे तेरे को तो पता भी नहीं होगी। कोटला सुना तूने? भैनगढ़ साउथ दिल्ली में, साउथ एक्स के पास कोटला है भैनगढ़, वहां तूने भैनगढ़ आईने सुना है? गंडवे वहां बैठा हूँ। अरे वहां से ना तेरी भाई तो वो तो कोटला इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे क्या कर रहा है वो? इंडस्ट्रियल एरिया है। सुन तो ले, अरे भैनगढ़ ट्रेन नहीं पाती, वो तेरी माँ पाती है। ट्रेन में ना दो रन लगा रखे, एक तेरी माँ का और एक तेरी बहन का, दोनों अरे भाई, भाई, लगा रखी है। जब गांड में देंगे जब ही पा देगी। दीपक भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने गाली गलौज छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप गाली गलौज मत। भाई मैं तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये है जीबी रोड की पैदाइश। जीबी रोड है, मैं तेरी माँ का दल रहा हूँ जीबी रोड का, बता टॉप टॉप क्लास का दल रहा हूँ बता। सुनो ये लोलो का लाल, लोलो का लाल का, तेरी माँ का नाम लोलो का लाल है, बहन के लंड लोले लेते। अरे भाई वो ऑस्ट्रेलिया के लोग मैसेज कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के कपल मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये दो कौड़ी के आदमी को नीचे बिठाओ। सुनो लोलो नाम है नहीं है तेरी भाई, ऑस्ट्रेलिया का बहुत अमीर खानदानी कपल है, वो अब से बात करना चाहता है। ओला उबर ड्राइवर तो नीचे बिठी हो जरा, सुन भाई इसको नीचे बिठा, वो ऑस्ट्रेलिया का कपल बन कर रहा है। मैंने उसको ले लो कपल को, हाँ ऑस्ट्रेलिया का कपल है भाई, ये दो कौड़ी के आदमी को नीचे बिठा। नाम बताओ, नाम क्या है भाई उसका? उनका नाम है नितिन, NITIN नितिन, के सचदेवा, SACHDEVA नितिन के सचदेवा, इसमें गैप वगैरह कुछ भी नहीं है। नितिन के सचदेवा, हाँ भाई वो नीचे बैठे हुए हैं। नहीं आ रहा नाम, नहीं आ रहा भाई, क्या हुआ नाम नहीं आ रहा है? नहीं यार अभी तो आया था, उसके बाद अब दोबारा नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ मुझे। नहीं नहीं भाई वो ऊपर आ गए हैं, नितिन सचदेवा ऊपर आ गए हैं वो, नहीं सॉरी नहीं नहीं है, नहीं है, एक मिनट में बात करता हूँ उनके साथ, क्योंकि भाई ये ऑस्ट्रेलिया से कपल है, वो अपने फैन है और अपने को बात बताना चाहते हैं वो। अंकित ऊपर बैठ, फिर मैं आ जाऊंगा भाई। अंकित भाई से बोले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें भाई। भाई उनका मैसेज है, उन्होंने कहा ऐड कर लो करके। रुको एक मिनट, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के कपल के लिए। बिल्कुल बात करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उनका मैसेज आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जो कपल है उनका भाई, ये भाई अपने को फॉलो करते हैं। अच्छा देखो इनकी आईडी है, मैं बता रहा हूँ आपको, आई आप टाइप करो आई, हाँ उसके बाद में AM, 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 नितिन, NITIN नितिन, नितिन पंडित सचदेवा, SACHDEVA, I, A for Apple, N for Mango, IN नितिन सचदेवा, ये इनकी आईडी है भाई, ये देख मैं बता रहा हूँ तुझे इनकी आईडी। भाई इस नाम की तो कोई आईडी नहीं आ रही मेरे भाई, एक मिनट दिखाना, ऊपर दिखाओ, ऊपर 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 का दिखाओ, ऊपर का दीपक भाई ऊपर का, अरे आईडी दिखाओ मेरे भाई, आईडी आईडी भाई। ये टाइप कर भाई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, रुक मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि भाई प्लीज मुझे आप टाइप करके बताओ, आपकी पांच पांच आईडी है, मैं कौन से आईडी से आपको बुलाऊ यार। पूरे दिन
लस्तन लेगा लस्तन लस्तन है लस्तन ले ले हेलो हाँ भाई कैसे हो दीपक सर मैं भी उनको कहता हूँ प्लीज सेंड मी आईडी यार मैं तो तंग आ गया यार देखो भाई आपको जो आईडी से आना है वो आईडी आप भेजो ना यार मैंने रिक्वेस्ट प्लीज नितिन सचदेवा भाई आप ऑस्ट्रेलिया से प्लीज आप मुझे बताओ कि कौन सी आईडी से आना है यार आप नीचे वो टाइप करो प्लीज भाई मैंने रिक्वेस्ट भेज रखी है भाई को नितिन सचदेवा 16 पायल के नाम से आ रही है ही ना सर या में है ही ना आईडी में कोई नितिन सचदेवा कोई नहीं है देखो आप बाकी की चीजें मत टाइप करो आप सिर्फ आईडी टाइप करो रुको अभी इन्होंने भेजा है ये हाँ देखो भाई इनकी आईडी है NITIN मैं आप बता रहा हूँ इनकी आईडी ठीक है NITIN नितिन के सचदेवा ये आईडी है नितिन के सचदेवा ACHDEVA भाई नहीं आ रही अरे नौ है गुरुजी हमें आईडी नौ कोई नहीं है दीपक भाई नहीं है ये देखो ये आईडी है नितिन के बाद के है नितिन के बाद के सचदेवा लगा दिया मैंने नितिन के सचदेवा आ गई आ गई आ गई बाइक पे बैठे हैं बाइक पे हाँ बाइक पे बैठे हाँ तो इनको आप ले लो गुज्जी ये अंकित भाई की जगह होते अंकित भाई ले लो ले लो हाँ तो चला जाता हूँ देख लो क्या कर रहा है तो ये भगा दो अरे ये कहाँ चला गया भाई क्या दीपक भाई आप कहाँ चले गए दीपक भाई की लाइफ थोड़ी दिक्कत कर रही है जब भी ऐड करते हैं तो भगते ही हैं फिर आते हैं दोबारा भग भग के अच्छा अच्छा दीपक भाई ना भगा दौड़ में ज्यादा है दीपक भाई जो है भगा दौड़ ज्यादा कर ले थोड़ी भाई मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज रखी है नितिन सचदेवा को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी एक्सेप्ट नहीं करी यार ये तो यार क्योंकि वो उससे जरूरी बात करना चाहते हैं रुको मैं बात कर रहा हूं उनके साथ अरे यार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आप कौन सी आईडी से आ रहे हो तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हम हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आपको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो मुझे तो आईडी में आप आइए आप एक्सेप्ट करो आईडी को ओके भाई उनको भेजो वो कह रहे भेज दिया दोबारा भेज दिया हाँ ठीक है दीपक भाई खाना खा लिया आ गए वो हेलो हेलो हाँ जी भाई राम राम जी सभी को भाई ये ऑस्ट्रेलिया से है और ये भैया हमें कुछ बताना चाहते हैं ये हमारे बहुत बड़े फैन है अक्की भाई ये आपको भी जानने लगे है मेरे कारण और ये मुझे काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं और इन्होंने मुझे कहा है कि प्लीज प्लीज आप हमें कॉल पे लो ये हमें कुछ बताना चाहते हैं तो भाई इनका मुझे मैसेज आया तो मैं कहना चाहूंगा कि आखिर क्या वो चीज है कि जो आप हमें बताना चाहते हो भाई साहब पहले तो राम राम जी सभी को बताना तो कुछ खास नहीं है बस मैं दीपक भाई का बहुत फैन हूँ काफी देर से इनको फॉलो कर रहा हूँ बहुत अच्छा आपकी आवाज थोड़ी आपकी आवाज जोर से बोलो थोड़ा एक्चुअली ना यहाँ पे सुबह सुबह हुई है अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैं थोड़ा आराम से अच्छा अच्छा ठीक है हाँ मैं अपने रूम में जाता हूँ हाँ थोड़ा जोर से बोलेंगे हाँ जी हाँ जी अब ठीक है जी हाँ ठीक है हाँ जी हाँ जी आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे रहते हो मैं मेलबर्न में रहता हूँ जी और मैंने आपकी एक बाइक देखी आपने डायमंड कलर की कोई बाइक लिए नहीं वो भी आपको हमें दिखानी होगी अच्छा जी हाँ जी दिखा देंगे जी कोई बात नहीं हाँ तो मतलब मैंने तो यही बोलना है कि थोड़ा सा ना गाली गलौज जो चल रहा होता है ना जैसे अभी आर्यन भाई काफी गालियां निकाल रहे थे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता बस मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता थोड़ा सा वही बोला है कभी भी देश की बात करो जो भी करनी ना देश की बात करो धर्म की बात करो और लोगों को कोई अच्छी गाइडलाइन दो जो अपना यूथ आपको नीचे बैठ के देख रहा है भाई ये भाई जो है ना ये बहुत अच्छे फैमिली से है ये अनिकेत जो भाई है वो अच्छे फैमिली से बहुत हाँ। अभी वो जो है वो है भाई ओला उबर ड्राइवर अभी देखो हम लोग क्या सोचते हैं भाई कि ये लोग शराब पीते
किसी बस अड्डे पे कहो या सुलभ शौचालय के पास टॉयलेट में या फिर समझो रेलवे स्टेशन में, तो भाई ये लोगों को ये लाइव में आना किसी फिल्म में हीरो का रोल करने लायक है उनके लिए। तो हम ऐसे सोचते हैं भाई हमारे लाइव में आने से अगर इनका दिल बहल जाता है भाई, ये लोग क्या करते हैं किसी शराब के अड्डे में जो अमीर लोग बियर छोड़ के चले जाते हैं ना भाई, उसको फ्रिज में ठंडा कर करके पीते हैं झूठी बियर उनको। तो देखो भाई हमने जैसे ही पता चला कि आप लाइव पे आए, मैंने उसको लात मार के नीचे बिठाया, क्योंकि भाई हमारे लाइव में हम हमारे स्टेटस के जो लोग होते हैं ना भाई, हाँ जी, उनका डिमांड है, बाकी गरीब लोगों को हम लेते हैं गाली देके भाई नीचे बिठा देते हैं उनको हम। नहीं नहीं काफी लोग होंगे जो आपके फैन होंगे, गरीब लोग भी आपके फैन होंगे, उनको भी लो, ऐसी बात नहीं है भाई, गरीब गरीब अमीर का सवाल नहीं है, बट ये जो भाई होते हैं ना गंदे गंदी गंदी बातें करने वाले भाई, बात हम इनकी करें। तुम मुझे बताओ ये ऐसे लोगों का कॉल पे आने से समाज में क्या फर्क पड़ेगा? बट इनको हम इसीलिए कॉल पे लेते हैं भाई क्योंकि इनके जिंदगी में ना कुछ फेम है ना कुछ, भाई ये जब कॉल पे आते हैं तो इन्हें खुशी मिलती है कि दुनिया इनको देख रही है। तो हम सोचते हैं कि चलो भाई हम पूरे दुनिया को खुश कर रहे हैं। हमारे कॉल पे अभी थोड़ी देर पहले रवनीत सिंह जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे वो आए थे। बिल्कुल भाई ये लोग कहाँ पे जाएंगे, ये जीबी रोड की पैदाइश है, इनको भी तो खुशियां मिलनी चाहिए कहीं पे। नितिन जी एक बात है, एक बात है, हमारे दीपक भाई का जो कहना है ना वो ये कहना है कि दीपक भाई सिर्फ खुशी बांटना चाहते हैं, उनका मेन मुद्दा ये है, वो चाहते हैं सब खुश रहें बस। और भाई बहुत अच्छा लगता है कि मेलबोर्न से जो है वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, इतना मेलबोर्न से हमें प्यार मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया से। तो अभी अपने नए भाई है इन्होंने भी मेरे केक्स काटे, आपने इनकी भी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भाई ने मेरे 101 केक्स काटे। और तुमने कहा कि तुम्हें दीपक इतनी सराहना मिल रही है और उसमें उन्होंने इनका नाम लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप इन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। थैंक यू। नहीं कभी आपका ऑस्ट्रेलिया आना का प्लान नहीं है कोई दीपक भाई, आप आ रहे हो कहीं? भाई हम है सबके पासपोर्ट जो है भाई हमारे अटके पड़े पुलिस स्टेशन में। ओके हम लोगों ने भाई लोगों की तोड़ी है हड्डियां। अच्छा जी भाई एक बात कहूं? हाँ जी मुझे भाई हमेशा लगती है तारीख। ओके हाँ क्योंकि भाई मैंने किए काले काम। दीपक भाई ने गैंगस्टर बन चुके हैं भाई इंडिया में। भाई गैंगस्टर हूं मैं। अब तुम मुझे बताओ भाई हमारे जैसे जो लोग हैं वो अगर ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो तुम्हारे जैसे शरीफ लोग कहाँ भागेंगे? बिल्कुल सही बात है, समझे? नहीं नहीं भाई आप भाई हमारे जैसे गंद को तुम वहां पे ऑस्ट्रेलिया बुलाओगे तो तुम्हें क्या लगता है हम छोड़ेंगे भाई? आपके आपकी गड्डी लेके भाग जाएंगे हम लोग, तो आपकी गड्डी को जो हीरे लगे हुए वो तो हम लेके भाग जाएंगे भाई। दिखाओ जरा आपकी गड्डी दिखाओ। नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहीं पे भागता। तो भाई हम इतने बदमाश है कि भाई सुनो हम लोग इतने बदमाश है भाई कि शादीशुदा आदमी की बीवी बीवी जो है वो पटा ले। मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर आप गैंगस्टर हो या नहीं हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप एक ब्रांड हो, एक ब्रांड हो, आप लोग को लोग सुनते हैं, जब आप आते हो तो आपको लोग देखते हैं, 10,000-12,000-15,000 लोग देखते हैं। आप कुछ ऐसा मैसेज दो कि लोगों को कुछ गाइडलाइन मिले, कुछ लोग आपके बारे में। भाई कल मुझे इंडिया ने मैसेज दिया, मुझे गाइडलाइन आ गई है, मैं क्या लोगों को मैसेज दू? मुझे खुद को गाइडलाइन आ गई है, तो जब मुझे गाइडलाइन आ गई है मैं क्या मैसेज दू भाई? मुझे दुनिया भर के लेटर्स आ गए कि भाई यू ना करो वो ना करो, तो मुझे खुद को अभी नीति नियम फॉलो करने हैं। नहीं 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 वो बिल्कुल ठीक बोला आपको राज भाई ने, मैंने वो लाइव देखी थी, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, उन्होंने बहुत ही आपको आपको प्यार भी दिया, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं वो। किसकी लाइव देखी आपने? आपके साथ बलराज भाई थे ना। अच्छा आप जानते हैं बलराज भाई को? हाँ जी हाँ जी मैं उनको भी देखता था। नहीं मैं आप अच्छा और किसको किसको तो आप तो हमें बहुत फॉलो करते हैं, आप किसको किसको देखते हो? और मेरे पास ना सुबह उठता हूँ जब ये टाइम टाइम मेरे काम पे जाने का, मैं इसी टाइम पे थोड़ा सा लगा लेता हूँ, जो आ गया बस मैंने देख लिया, बस ऐसा होता है। लेकिन मैंने जितने भाई देखो हम है भाई तीन बदमाश,
अगर आप हमें प्यार करते हो भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, आपने अगर हमें तीनों को वहां पे बुला लिया भाई हमारे पुलिस स्टेशन से पासपोर्ट छुड़ा कर, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, हम इतना वहां पे ना, हम भाई वहां पे हरियाणा बना देंगे आपके ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया में गाने बजेंगे रोहतकिया, अमित रोहतकिया के गाने बजेंगे वहां पर। यहाँ पे बहुत हरियाणवी है भाई, ऑलरेडी बहुत हरियाणवी है मेरे। आप कहाँ से हो भाई? मैं पंजाब से हूँ, मेरे बहुत से हरियाणवी फ्रेंड भी हैं। मैं पंजाब मोगा से हूँ, हमारा शहर है छोटा सा भाई। मोगा से तो अपना दोस्त रवे सोनू सूद, वो भी मोगा से है भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो हम मैंने सोनू के साथ क्रिकेट खेला हुआ जब हम छोटे होते थे भाई। अपना भाई है वो, मोगा में रहे भाई, अपने जाने वो। और उसके पापा जो है वो तो अभी वहीं पे रहे, उनकी उनका उनका बंगलो है वहां पे मोगा में, वो जो तुम्हारा गार्डन है एरोप्लेन वाला, उसके पास में रहे भाई, गया उनके दीपक कलाल उनके घर पे। हाँ जी हाँ, उनके पापा का स्वर्गवास हो चुका है भाई। मने तो नहीं बताए सोनू ने, सोनू ओ सोनू सोनू सूद भाई, बाद में फोन कर लूंगा उसको। हाँ जी। अच्छा स्वर्गवास हो गया के भाई, सोनू के मुझे बहुत कॉल आए, मैंने पिकअप नहीं किए क्योंकि आजकल मैं हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ ज्यादा पड़ा हूँ ना, तो इंडियंस को इतना भाव नहीं देता हूँ, तो ये सोनू मोनू टोनू भाई आजकल मैं ऐसे लोगों के कॉल ना उठाऊ। भाई मेरी तो पहचान, मेरी फैन फॉलोइंग मोगा, तारन तरन, उसके बाद में फाजिलका, अबोहर, फिरोजपुर, बठिंडा भाई, दीपक कलाल की हर जगह पे चले। आपकी इस नॉलेज के भी फैन है हम, आपको जो इतना नॉलेज होता है भाई। ये मोगा है ना, उसके आजू बाजू के सभी शहर बता दूंगा मैं। और अबोहर फाजिलका में आता है, लेकिन भाई वो ये नहीं है, फाजिलका जो है वो जिला है और अबोहर बड़ा गांव है, लेकिन वो जिला नहीं है। ये बात तो मोने की नहीं मोने। और आपके मोगा में भाई एक गार्डन है जिसमें एरोप्लेन है, सीमेंट कंक्रीट का एरोप्लेन। चलो भाई मैं और भाइयों को ऐड कर लूं। अरे भाई ये गड्डी दिखाएंगे अपनी, सुनो भाई हमें गड्डी दिखा दो आपकी, हीरो की गड्डी भाई। और भाई ऐसे लोगों के जेल रहोगे, ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलेगा। ये देख भाई की गड्डी देख, ये बाइक क्या बोल रहे हैं ना, ये तो फोर व्हील ड्राइव है, ये लैंड क्रूजर है, ये है बाइक मेरी, ये मैंने अभी ली है। ये जैसे हमारे मौका। अच्छा भाई देखो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे से एक गलती हुई है। मैंने वो जो किया था ना, मेरे छाती में दर्द है। हाँ जी। तो आपने मुझे कुछ पैसे भेजे थे भाई, मैं वो पैसे लौटाना चाहता हूँ आपको। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि मुझे बुरा लगा। मैंने यार देख, मैंने क्या किया पता है, एक लाइव में मैंने ऐसे कहा कि मेरे लीवर में दर्द है, और मैंने ऐसे ऐसे किया भाई, इन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए पैसे। तो भाई मैं वो पैसे लौटाना चाहता हूं। अरे वो अक्की तू क्या सो रहा है क्या भाई? अरे भाई तेरी आंखें बंद है यार, यहाँ पे लाइव चल रहा है, अक्की तू सो रहा है? अरे नहीं भाई मैं सो नहीं रहा, लाइव बंद कर देते। चलो चलो, अभी कोई कोई इसको इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ ना, इसके मुंह से शब्द है भाई ना, वो बंदे के लिए कोई अच्छी बात बोल रहा है, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया से है। गाड़ी का नाम पढ़ रहा हूँ दीपक भाई, उसमें लिखा है प्राडो लैंड क्रूजर। मैं बहनचोद गाड़ी देख के मेरी आंखें खुल रही है, तुम कह रहे हो सो रहे हो, मैं उसकी बाइक देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। तुम उसको अप्रिशिएट करो उसके बाइक को, तो तुम पांच मिनट ही ऐसे क्या यार, ध्यान से देख रहा था आदमी की भाई, उसने मुझे पैसे भेजे हैं, लग रहा था मुझे वो कि उसके ने मेरे अकाउंट में भाई पैसे भेजे। उसने कभी ये भी नहीं कहा कि आप लाइव आओ, दो एक डेढ़ महीने पहले बंदे ने मेरे अकाउंट में ऐसे ही पैसे डाल दिए। वही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी बहुत भाई, बंदे से बात करो तो ये कह रहा है कि उसको नीचे बिठा के हम अंकित को लेंगे। भाई चलो मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ भाई, मेरा टाइम हो गया, अभी तुम तीनों बातें करो। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूयॉर्क के फैंस जुड़ना चाहते हैं भाई। अंकित के साथ मेरी दोपहर में बहुत सारी बातें हुई है, अंकित लाइव हो गई है। और सुनो अभी हम चारों ही बैठे रहेंगे तो पांचवे को कैसे ऐड करेंगे?
अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तो चला गया, मैं तो एक बार भी नहीं आया, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला जो इन्होंने। अरे भाई तो जब मैं वो बंदे से बात कर रहा हूँ ये कह रहा है कि हम अंकित को लेंगे। अरे नहीं, वो तो प्यार है दीपक भाई। चलो भाई अभी छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अभी आज के लिए इतना कोठा काफी है और कम हम लोग लाइव डिवाइड करेंगे। बिल्कुल लाइव डिवाइड कर लो, क्योंकि खिड़कियां कम है भाई। देखो आप समझने की कोशिश करो, हम तीन अलग अलग लाइव करेंगे। एक करेंगे हम अनिकेत की, उसमें भाई अक्की नहीं आएगा। एक करेंगे अक्की की, उसमें तुम दोनों नहीं आओगे भाई। ऐसे करोगे तो ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हम चारों अभी व्हाट्सएप कॉल करते बैठेंगे। हाँ ओए सुनो भाई, देखो दीपक भाई ने ये बात एक नंबर बोली भाई। देखो जो बात है, बिल्कुल भाई दीपक भाई दिल से सलूट इस बात के लिए। भाई यहाँ से दुनिया भर से हमें लोग जुड़ना चाहते हैं और वो बंदे ने भाई मेरे अकाउंट में ऐसे ही पैसे डाल दिए। उसने कभी भी नहीं कहा मुझे लाइव लो। तुम्हें पता है कितने रुपए डाले दीपक भाई न्यूजीलैंड से? भाई मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए ऐसे ही डाल दिए बंदे ने, 20,000। मैं अभी एक बात के लिए बोलना चाहता हूँ दीपक भाई, एक न्यूजीलैंड से मेरे ये मुझे दे लो 10,000 उसमें से, 20,000 में से सारे चारों मिल बांट के 5-5 ले लेंगे। ये बताना चाहता है ना तू? इको लौटो दीपक भाई, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सारे जो 20,000 रुपए दे रहा है उसको बोल रहे नीचे बैठा, जिसके साथ में जो मैं 2 घंटा लाइव गया उसको बोल रहा है ऊपर ले गया, क्या फालतू की है। अरे मेरी बात तो सुन लो, आर्यन भाई जो है वो नारा भाई की बात तो बहन चुदगी, जब से बोर हो रहा है मैं जब तक कह रहा हूँ कुछ मसाला डालो कुछ बहन चोदो। वो बकचोदी वो कह रहे कि क्या नाम है ये कर लो वो कर लो, यार समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ अलग करो। जिस पब्लिक भी अगर वो बंदे ने 20,000 रुपए दिए है तो उसके 20 मिनट नहीं बात करनी चाहिए। हाँ उनसे बात करनी चाहिए, आप बात कर रहे हैं तो उसको देने चाहिए 1,000 रुपए पर मिनट तो दो उसको भाई, उसमें भी तुमको अंकित चाहिए बहन चोदो भी, क्या बोलू अब क्या मेरी गाड़ मार लोगे क्या बहन चोद तुम लोग तीनों के तीनों दीप। सुनो तो सही, तुम्हें पता है वो 20,000 उसने कब डाले भाई? एक महीने पहले मैं लाइव गया था तो मैंने भाई ऐसे ही मेरे एक्टिंग की मैंने, तो भाई उसने ऐसे ही डाल दिए 20,000 एक्टिंग। और अभी जब कल मेरे ऊपर जो लोग हुआ लोगों ने जब मुझे ये मेरा एप्लीकेशन किया भाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए बंदे के। उन्होंने कहा कि दीपक जी हम आपका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा, उन्होंने ये नहीं कहा हमको लाइव पे लो, उन्होंने कहा कि हम आपको इंस्टाग्राम पे ही बात करेंगे भाई। मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप आओ, आपने मुझे 20,000 रुपए दिए, मेरा फर्ज बनता है कि आप लाइव में आओ। भाई जो बंदे ने 20,000 रुपए दिए उसको 3 मिनट तुम लोग नहीं देख पा रहे, 3 मिनट भाई तुम लोगों के पासपोर्ट पड़े पुलिस स्टेशन में। अरे तुम्हें पता है कि तुम्हें जिंदगी में कभी बाहर नहीं जाना है भाई। भाई मेरा तो छूट जाएगा दीपक भाई, अक्की भाई का और अंकित भाई का भी छूट जाएगा, और तुम कहो तो हम तुम्हारा छुटवा दें। अरे भाई तू मुझे बता, तेरा इतना बड़ा फार्म हाउस है, तू गिटोरनी के आगे कभी गया जिंदगी में? मैं जाऊंगा भाई, बिल्कुल जाऊंगा, अभी जिंदगी की शुरुआत हुई है, जिंदगी की बात। सारे तू आगरा की बात करे, मथुरा में तो तेरा पेट तेल खत्म हो जावे। आगरा आगरा जाना है भाई दोस्तों के साथ, आगरा जाना है, मथुरा से यू टर्न लेके बेंचो तू उधर फरीदाबाद में गेड़ी मार के वापिस घर पे जाने वाले नोएडा में। हरिदाबाद सारे ऑस्ट्रेलिया कभी सुना तने? अगर ज्यादा करा है लाइव से बाहर निकाल दूंगा, बदतमीज बंदा बता रहा हूँ भाई। तेरे जैसे बंदा जो है ना भाई वो फ्रेंड्स कॉलोनी में बीडब्ल्यू जाएगा ना भाई, उसके लिए लंदन है वो लंदन। लाइव जो बाहर निकाल दिया जो है दीपक अंकित ना, अंकित लाइव में देना नीचे क्या पिन कर रखा है, रोस्ट लाइव ना कि बोर लाइव नहीं चला यार, बोर लाइव चल रही थी जब। सुनो जो लाइव का मंत्री है लाइव तो कोई बदतमीजी नहीं है, होस्ट ना लाइव का ध्यान रखना, बदतमीजी मत कर, बता रहा हूँ तुझे। रहो अमेरिका पे, अमेरिका सब निकल जाओ 2 मिनट में भाई। गड्डी इसके पास फॉर्चून है भाई, वो फॉर्चून जो है वो 40 किलोमीटर के अंदर ही अंदर घूमे। निकाल दो, भगा तुझे, भगा दू भगा दू। उससे अच्छा I-20 ले ले साले, 100 किलोमीटर के दायरे में घुमा। अब तुझे भगा रहा है, निकल गुस्सा है अब। ये बैठ जा,
बिहारी गलत बात भाई देख यार आप गोश्त कर रहे हैं थोड़ी ना यार।